एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का वीडियो भी एक शॉपिंग हॉल वीडियो है जिसमें मैंने शॉपिंग की है मीशो से। मीशो एक इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड ऐप है जिस पर आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स काफी कम प्राइस पर ले सकते हैं। इस पर 1 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स ट्रस्ट करते हैं और इनके ऐप पर 50 लाख से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वुमेन्स वियर हो, किड्स वियर हो, वुमेन्स वियर हो, होम और किचन से भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स इनके पास बहुत सारे हैं। और एक बात तो आपको पता ही होगी कि ये एक रीसेलिंग ऐप है, यानी आप घर बैठे ही इससे शॉपिंग तो कर ही सकते हैं और घर बैठे ही पैसे भी कमा सकते हैं। बस इसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास व्हाट्सएप हो, आपके पास फेसबुक आईडी हो, आपके पास इंस्टाग्राम आईडी हो, तो वहां पर जाके इनके प्रोडक्ट को रीसेल कीजिए अपने रिलेटिव्स को, दोस्तों को, अपनी जान पहचान वालों को। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा और इस ऐप को अपने फोन पर डाउनलोड कर लीजिए। जो भी फर्स्ट परचेज करेंगे उस पर या तो आपको 100 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा या फिर 30% का डिस्काउंट भी मिल सकता है। और दूसरी बात ये है, फ्री होम डिलीवरी है कोई भी आप प्रोडक्ट लेंगे तो। और दूसरा, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी है। बाय चांस अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आया है, साइज की प्रॉब्लम हो सकती है, कलर की प्रॉब्लम हो सकती है, या आपको नहीं पसंद आया, तो बहुत ही इजी रिटर्न पॉलिसी है इनकी, आप बहुत ही आसानी से रिटर्न इनके प्रोडक्ट को कर सकते हैं। मीशो के बारे में एक बात और बताना चाहूंगी, मीशो ना लिंक नहीं देते हैं, तो इनके क्या होते हैं कोड होते हैं जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप कोई भी कोड यूज करेंगे, जो भी आपको कुर्ती पसंद आ रही है बस वो कोड यूज कीजिए और आसानी से आप कोई भी कुर्ती इनकी ऐप से सर्च कर सकते हैं। चलिए फिर अपना शॉपिंग हॉल स्टार्ट करती हूँ, लेकिन सबसे पहले ये बता देना चाहती हूँ कि मैंने जो कुर्तियाँ मंगाई हैं, मेरा जो साइज है वो लार्ज है, इसलिए मैंने एक ना एक्स्ट्रा मंगाया। अगर बाय चांस अगर हल्की फुल्की श्रिंक भी होती है तो फिर ये होगा कि वो लार्ज साइज तक हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैंने यही जो कुर्ती मंगाई है, बहुत ही खूबसूरत सी कुर्ती है, गोल्डन कलर का, इस पर फॉयल प्रिंट हो रखा है, सामने यहाँ पर राउंड नेक है और यहाँ पर सामने फैब्रिक वाले ही गोल्डन कलर के छोटे छोटे से बटन लगे हुए, बहुत ही खूबसूरत है, फुल स्लीव्स है इसकी। और इसके रिव्यूज भी मैंने देखे थे, बहुत ही अच्छे रिव्यूज, सभी लोगों ने बहुत इसकी तारीफ की हुई थी। फॉइल प्रिंट गोल्डन कलर का इस पर बहुत अच्छा लग रहा है और साथ ही साथ इसका जो कॉटन का इसके साथ प्लाजो आया है, फैब्रिक भी इसका कॉटन है, तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और हल्का सा ये लूज है क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा लार्ज लिया हुआ है, वैसे बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। आप रिव्यूज पर भी जा सकते हैं, बहुत सारे जो इनके क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं जो इनसे ले चुके हैं, उन्होंने इसकी काफी तारीफ की हुई है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं अब दूसरे कुर्ते की, तो वो भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही कलरफुल सा आया है, वो है ये कुर्ता, स्ट्रेट कुर्ता है ये और इसके साथ एक प्लाजो पैंट भी आई है। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल है लेकिन मुझे सबसे खूबसूरत कलर यही लगा था, ब्लू कलर, और इसका सामने से राउंड नेक है और इधर जो आप देख रहे हैं यहाँ फ्रंट में एम्ब्रॉयडरी हो रखी है और ये जो एम्ब्रॉयडरी है ये पूरा नीचे तक है, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगा। सबसे ज़्यादा कलर यही वाला जच रहा था, बाकी इस पर यहाँ ब्लॉक प्रिंटिंग हो रखी है, 3/4 स्लीव्स है, स्लीव्स पर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे में मशीन वाली एम्ब्रॉयडरी है और बैक साइड में ये देखिए आप, ये भी क्या है, ब्लॉक प्रिंटिंग हो रखी है, तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। स्पेशली इसका कलर बहुत अच्छा है, रेड कलर की इस पर पाइपिंग लगी हुई है इसके गले पर। और अगर इसकी प्लाजो पैंट की बात करूँ वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत आई है, वो है इस तरीके की, इतना प्यारा सा ब्लू कलर है, ये कलर बहुत ज़्यादा खिल रहा है और जो लोगों ने पिक्स वगैरह भी डाली हुई है ना तो ज्यादातर लोगों ने ब्लू ही लिया हुआ है, सच में ये कलर बहुत अच्छा है। और यहाँ पर आप नीचे देख रहे होंगे इस पर भी पूरे में एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, तो मशीन वाली एम्ब्रॉयडरी है यहाँ पर, तो ये ना पैरों में जब आप इसे पहनेंगे तो पैरों की तरफ से ये यहाँ पर नीचे मोहरी बोलते हैं इसको, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा, मतलब ये जो एम्ब्रॉयडरी का कलर है इस फैब्रिक के साथ बहुत अच्छा जा रहा है। और ये जो इसका खादी कॉटन का इसका मुझे जो फैब्रिक है ना, कुछ खादी और कॉटन का मिक्स लग रहा है, तो ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मतलब जितनी भी मैंने इस बार शॉपिंग की है ना, बहुत ब्राइट ब्राइट और बहुत अच्छे कलर्स की है। व्हाइट कलर मेरा फेवरेट है इसलिए व्हाइट तो मैंने ज़रूर उठाया और सच में ये भी बहुत ही प्यारा है। अब बात कर लेते हैं दूसरी कुर्ती की। दूसरी कुर्ती जो है वो है ये येल्लो कलर में और इस पर यहाँ पर पूरे में ये वाला प्रिंट हो रखा है, ये जो होता है बांधनी टाइप जो प्रिंट कहते हैं जिसको, और यहाँ पे गोटा पट्टी का काम हो रखा है, फ्रंट में राउंड नेक है इसका और यहाँ पर जो है लकड़ी वाले इस पर बटन लगे हुए हैं जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और यहाँ पर 3/4 स्लीव्स है और सिल्वर कलर का यहाँ पर भी गोटा पट्टी का काम है, बैक साइड में भी यही है, वही जो जयपुरी प्रिंट बोलते हैं इसको, पूरा जयपुर वाला जो डिज़ाइन है वो है और बाकी नीचे कहीं पर भी गोटा पट्टी का इस पर काम नहीं है। इसके साथ इन्होंने जो दिया हुआ है वो है ये स्कर्ट।
और ये स्कर्ट ना टायर स्टाइल में है, तो इसमें तीन वो है, एक ऊपर का ये वाला हिस्सा, फिर उसके बाद ये सेकंड और नीचे ये थर्ड। इस पर भी ये ऊपर से तो वाइट है और यहाँ पर हल्का हल्का सा येलो कलर का प्रिंट है, फिर यहाँ पर ये गोटा पट्टी का काम है, फिर सेकंड लेयर में फिर गोटा पट्टी का काम है और नीचे फिर यहाँ पर नीचे वही जो जयपुरी प्रिंट होता है वो है, और साथ में फिर नीचे यहाँ पर भी सिल्वर कलर का गोटा पट्टी का काम है। तो काफ़ी कंफर्टेबल है ये फैब्रिक भी, कुछ मिक्स है कॉटन का ही, और बहुत ही अच्छा लगा इसको पहनकर, बहुत ही कंफर्टेबल सा है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बस ये है कि साइज़ का ध्यान रखिएगा, साइज़ जो आपका है उससे एक ज़्यादा मंगा लीजिएगा, मतलब लार्ज है तो एक्स्ट्रा लार्ज, स्मॉल है तो मीडियम, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सेकंड, अब आपको थर्ड कुर्ती दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यारी कुर्ती है, बहुत ही खूबसूरत है, पूरा कुर्ता सेट आया है, मतलब मंगाए तो मैंने पूरा ही सारे जितने भी हैं कुर्ता सेट हैं, लेकिन इसमें दुपट्टे भी साथ में आए हैं। तो ये है ये वाला कलर, हल्का सा पिंक पीच सा कलर है ये, और यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं पूरे में यहाँ पर गोटा पट्टी का बहुत खूबसूरत सा गले पर काम हो रखा है, राउंड नेक है इसका और यहाँ से राउंड है और फिर यहाँ पर वी नेक हो रखा है, छोटा सा वी बना हुआ है, और इस पे जो ये सामने इतना सुंदर काम है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रेड कलर की छोटी छोटी सी यहाँ पर लेस लगी हुई है जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है, नीचे भी इसके आप देखेंगे इधर भी रेड कलर की लेस लगी हुई है, और इसकी जो स्लीव्स हैं वो है ऐसी 3/4 स्लीव्स हैं, इस पर भी रेड कलर से काम हो रखा है, मतलब वही पाइपिंग लगी हुई है और उसके बाद ये यहाँ पर गोटा पट्टी का काम है, और नीचे अब एकदम स्ट्रेट कुर्ती है ये और घेर वाली है वैसे तो, एकदम बहुत स्ट्रेट भी नहीं है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं या इधर भी हल्का सा इसके जो पल्ला है इसके साइड्स में भी गोटा पट्टी का काम है और ये रेड वाली लेस है, और बहुत ही खूबसूरत है ये। इसका अगर बैक की साइड की बात करें तो बैक साइड में जो इसका डिज़ाइन है ना पीछे ये राउंड, ये बहुत ही प्यारा लगा, और इधर भी इन लोगों ने यहाँ पर पूरे में इसके साइड में गोटा पट्टी वर्क लगाया हुआ है जो बहुत ही प्यारा लगा, और इस पर यहाँ पर दो डोरी भी मतलब दी हुई है और इस पर रेड कलर का काम है, तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत सारा इस पर काम हो रखा है। जो इसके प्राइस हैं वो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर ही रही हूँ, वो आप देख सकते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, बहुत वर्क है इस पर, फेस्टिवल्स पर ऐसी कुर्तियाँ बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। इसके साथ आई है एक स्कर्ट, इस स्कर्ट का जो फ्लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा है, और ये वाली स्कर्ट तो और भी बहुत सारे कुर्तों के साथ, अगर आपके पास कोई कुर्ती है उनके साथ चल जाएगी। इस पर भी यहाँ देख सकते हैं आप सामने रेड कलर में है और यहाँ पर पूरे में लंबाई में गोटा पट्टी का ऐसे काम दे रखा है, और आप घेर देखें इसका कितना ज़्यादा है, और यहाँ नीचे भी मतलब इस कुर्ती ने दिल खोल के काम किया हुआ है, दिल खोल के नीचे यहाँ पर देख सकते हैं गोटा पट्टी का फिर से काम है, और यहाँ वो हल्का सा पिंक जो कलर है नीचे है, और फिर यहाँ पर फिर नीचे गोटा पट्टी, मतलब बहुत सारा काम किया हुआ है इस कुर्ती में ना, ये बहुत ही खूबसूरत कुर्ती है अपने आप में ही, और इसके जो रिव्यूज़ हैं वो भी बहुत ही अच्छे हैं, लोगों ने इसकी काफ़ी तारीफ कर रखी है, लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आज मैंने जितनी भी कुर्तियाँ आपको दिखाई ना, ज़्यादातर मैंने रिव्यूज़ को देख कर ही, लोगों के कमेंट्स क्या हैं, लोगों ने कितना पसंद किया उसी हिसाब से ही ली हैं, और सच में रिव्यू ज़रूर देखने चाहिए लोगों ने क्या बोला हुआ है, उससे बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है, और साथ ही साथ फिर क्या होता है कि प्रोडक्ट भी फिर काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। तो ये भी कुर्ती मुझे बहुत पसंद आई, देख सकते हैं ये स्कर्ट कितनी अच्छी है। अब इसके साथ दुपट्टा देखिए, रेड कलर का दुपट्टा है, लहरिया प्रिंट है इस पर, और यहाँ पर पूरे में गोटा पट्टी वर्क है, पूरे ही दुपट्टे में है जो साइड में मैंने लिया था इसको, और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये कुर्ता मुझे बहुत 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 पसंद आया। इसके बाद एक और मैं कुर्ता दिखाती हूँ, ये भी बहुत खूबसूरत है, कलर देखिए इसका लाइट ग्रीन जो कलर होता है, टर्कोइज कलर, और ये साथ में पिंक मैजेंटा कलर जो है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। कुर्ती बहुत 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 ज़्यादा सुंदर है, और ये देख लेंगे आप, ये है देखो, है ना, सामने पूरे में आजकल ना जितनी भी मैंने नोटिस किया है, जितनी भी कुर्तियाँ आजकल चल रही है ना, सभी कुर्तियों में ना आजकल गोटा पट्टी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, चाहे आप कोई भी कुर्ती उधर उठा लो, हर कुर्ती में आपको गोटा पट्टी का कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम ज़रूर दिखाई देगा। तो यहाँ पर फ्रंट में पूरा एक जाल बना हुआ है, पूरा यहाँ पर पूरा गोटा पट्टी से, जो बहुत अच्छा लग रहा है। सामने ये फ्रंट पर ये डिज़ाइन आता है, बहुत खूबसूरत लगता है। रेयॉन इसका फैब्रिक है, जो मैंने पहले वाली कुर्ती दिखाई उसका भी फैब्रिक रेयॉन ही है, और यहाँ पर मैजेंटा कलर से पूरे में सामने फ्रंट में ये पाइपिंग लगी हुई है जो बहुत ही प्यारी लग रही है। 3/4 इसकी स्लीव्स हैं,
यहाँ पर देख सकते हैं आप, फिर इधर ये फिर से गोटा पट्टी का काम, फिर ये मेजेंटा कलर की, फिर से यहाँ पर इन्होंने एक लेस या फिर क्या कहेंगे पाइपिंग टाइप्स जो है वो लगाई हुई है। पाइपिंग तो नहीं है ये, इन्होंने इसी का ही बॉर्डर लगा दिया मेजेंटा कलर का, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इस पर भी गोटा पट्टी का काम हो रखा है और नीचे ये एकदम फिर ये स्ट्रेट कुर्ती है और नीचे भी यहाँ सामने फ्रंट में वही मेजेंटा कलर का बॉर्डर है और उस पर भी गोटा पट्टी का काम है। बैक साइड से ये ऐसे ही है और नीचे भी फिर यहाँ बैक साइड में क्या किया हुआ है इन्होंने, वैसे ही बॉर्डर गोटा पट्टी का वर्क और मेजेंटा कलर का बॉर्डर दिया हुआ है। बहुत ही प्यारी कुर्ती है, कलर बहुत अच्छा है इसका, बहुत ही खूबसूरत, फेस्टिवल्स के हिसाब से तो परफेक्ट है ये। फिर इसके बाद इसकी मैं अगर पैंट की बात करूँ वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप देखो ये और इस पर जो आप बॉर्डर देखेंगे ना यहाँ पर, ये देखिए तीन लेयर्स में ये बॉर्डर बना हुआ है, एक दो तीन, और इन पे गोटा पट्टी का काम, मेजेंटा वर्क, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। नीचे जब ये एकदम पैंट आप पहनते हैं कुर्ते के नीचे ये वाला बॉर्डर जब दिखाई देता है ना, बहुत स्मार्ट लगता है, एकदम अलग से दिखाई देता है। तो ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा। और इन्होंने जो इसका दुपट्टा दिया है उसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। ये भी रेयन फैब्रिक में ही है, पूरा मेजेंटा कलर का दुपट्टा है, पूरा प्लेन, और इस पूरे में यहाँ पर ये गोटा जो है, गोटा पट्टी जो है वो लगी हुई है। बहुत सुंदर है ये, इसके साथ टर्कोइस कलर के साथ ये मेजेंटा कलर बहुत अच्छे से जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो मुझे तो सारी ही कुर्तियाँ बहुत पसंद आई, रिव्यूज़ देखकर मैंने मंगाई थी और जैसा लोगों ने इसके रिव्यूज़ इनके बारे में दे रखे थे बिल्कुल वैसी ही लगी। और अगर आपको कोई कुर्ती लेनी है, इनके कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, ये ऐप ना लिंक नहीं देते हैं, ये कोड देते हैं। बहुत ही आसानी से इन कोड के द्वारा आप कोई भी ड्रेस वगैरह आराम से सर्च कर सकते हैं। और इनका एक ऐप का डाउनलोड लिंक भी दे रखा है, ये ऐप जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा अपने फोन में, फिर आप कोई भी फर्स्ट परचेज करेंगे उस पर आपको 100 रुपीज का ऑफ भी मिल जाएगा या फिर 30% ऑफ भी आपको मिल सकता है। तो बस यही था एक छोटा सा वीडियो, अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।